हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं आपको नंबर सीरीज का चैप्टर जो है वो शुरू करवाने वाला हूँ। आज थोड़े बेसिक्स करवाऊंगा, क्या वेरियस टाइप्स होती हैं नंबर सीरीज की, और कुछ एक 6-7 क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। एंड उसके बाद आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एंड उसके बाद थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी, वो अगली वीडियोस में, हाई लेवल के क्वेश्चंस अगली वीडियोस में, और जो वर्कशीट है उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन है वो भी अगली वीडियोस में। टोटल 4 वीडियोस हम नंबर सीरीज की बनाएंगे। ये स्टूडेंट्स दूसरा हफ्ता चल रहा है IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज का। पहले हफ्ते में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम और इंग्लिश के भी 2-3 टॉपिक करे हैं, वो जो मैंने कवर नहीं किए इंग्लिश के। तो पहला हफ्ता बहुत अच्छा गया। दूसरे हफ्ते में हम कोशिश करेंगे नंबर सीरीज के साथ एक दो चैप्टर्स और हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में जो जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो नंबर सीरीज होता क्या है? आपने बेसिकली पैटर्न ढूंढना है। आपको 4 या 5 नंबर दिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको पैटर्न ढूंढना है कि भाई पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, दूसरे और तीसरे नंबर में का जो एक लॉजिकल वे में एक आप कह लीजिए सिमिलैरिटी होगी। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से पहले टाइप समझा दूं, उसके बाद जब मैं 5-7 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। अभी पहली जो नॉर्मल एक सीरीज होती है, सबसे बेसिक सीरीज होती है, वो होती है प्राइम नंबर्स की सीरीज। बेसिक आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स जैसे कि आप कह लें 1, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 4 यहाँ पे नहीं है, जैसे 6 नहीं है क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है, 6 2 और 3 से डिवाइड होता है, इसलिए वो नंबर्स नहीं है प्राइम। अब ये नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। कई बार इनके साथ इन प्राइम नंबर्स को यूज़ करके भी पूरी प्रॉपर एक सीरीज बनाई जाती है। यहाँ पे तो जैसे एक बेसिक प्राइम नंबर की सीरीज आ गई है 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और इसके अगला जो प्राइम नंबर है वो है 23। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्राइम नंबर तो हो यहां पे, लेकिन इनको इनमें एक प्लस किया हो या 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब में अभी ना पढ़े तो पहले ये देख लें कि प्राइम नंबर की सीरीज होती है। उसके बाद एक बेसिक सा बताता हूं, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की भी एक सीरीज होती है। आपने अभी तक अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को कैसे याद कर सकते हैं, फ्रैक्शंस मेथड, ये सब मैं बता चुका हूं। तो ये देखिए, जैसे स्क्वायर्स की बात करें, 2 का स्क्वायर है आपके पास, 3 का है, ये देखिए ये अपने आप में एक सीरीज है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर होगा। तो इसको थोड़ा सा आप कह लीजिए, अगर कॉम्प्लिकेट करना है, थोड़ा एग्जाम लेवल का बनाना है, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 5, फिर मैं लिख दूं 10, फिर मैं लिख दूं 17, फिर मैं लिख दूं 26, और यहां पे पूछूं क्या है। अभी यहां से अगर आपको पूछा जाता है तो बताइए क्या है। वैसे ये टॉपिक मुझे आगे करना चाहिए था, लेकिन कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए यहां पे 2 द स्क्वायर था, इन सब में मैंने एक एक ऐड कर दिया, सब में एक एक ऐड करा। अभी हो सकता है कि इस पे 2-2 ऐड कर सकते थे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बार पूरा वीडियो देखे, पूरा लेक्चर देखे, एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि एक सीरीज को आपने एनालाइज कैसे करना है, कि इस पे मैं कौन सा रूल लगाऊं। तो चलिए और बताता हूं, पैटर्न इन द डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप सीरीज देखें जब थोड़ा कम डिफरेंस होता है, जैसे यहां पे थोड़ा कम डिफरेंस है, तो सीधा और ये जो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख लें। इनमें देखिए 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, ऑब्वियसली आगे भी 3 का डिफरेंस होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक्स पे आ गए। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना चाहें
पैटर्न, और पैटर्न इन द डिफरेंसेस प्लस स्क्वायर क्यूब, इसको भी पकड़ लें। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 3 के साथ, यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है प्लस ए स्क्वायर, ये डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 प्लस 2 द स्क्वायर, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 प्लस 3 द स्क्वायर, तो ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, पैटर्न इन द ऑल्टरनेट नंबर। पहले क्या हो रहा था, दूसरे नंबर में से पहला नंबर निकाल दिया, फिर तीसरे नंबर में से दूसरा नंबर निकाल दिया, फिर चौथे नंबर में से तीसरा नंबर डिवाइड कर दिया। बट यहां पे देखिए ऑल्टरनेट नंबर की बात हो रही है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे नंबर यहां पे 2, 5, 8, 11 इनकी बात भी हो सकती है। भाई इसमें 2 और 5 का डिफरेंस जो है ये 3 है, 5 और 8 का डिफरेंस ये भी 3 है, 8 और 11 का डिफरेंस है ये भी 3 है। अभी यहां पे देखिए 8 और 7 का डिफरेंस जो है वो जी 1 है, 8 और 7 का डिफरेंस ये भी 1 है, 9 और 8 का 1 था, 8 और 7 का 1 है। अभी 11 और आगे यहां पे देखिए अब क्या होगा। अब ऑब्वियसली ये 3 वाला तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, यहां पे 1 का डिफरेंस चलेगा तो ये आएगा 6, क्योंकि यहां पे और यहां पे 1 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पैटर्न है वो एक नंबर छोड़ के भी बन सकता है, ये चीज ध्यान में रखिए। ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर क्या है मैं आपको बताऊं, ये पैटर्न ऑल्टरनेट नंबर का और ये डिफरेंसेस वाला पैटर्न और ये स्क्वायर्स एंड क्यूब, सारे के सारे पेपर में यही आते हैं। इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसमें जैसे 2 ऐड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के या तो स्क्वायर क्यूब्स में से आते हैं या पैटर्न इन द डिफरेंसेस या पैटर्न इन द ऑल्टरनेट नंबर्स, ये 3 तरह की सीरीज है प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस, पेपर में यही आता है। बाकी ज्योमेट्रिकल ज्यादा आता नहीं है, फिर भी देख लें इसको। अभी 5 को इन्होंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर 45 से दोबारा हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई, अगला नंबर जो होगा वो भी 9 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा, इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। अगर हमने 10th में या 9th में सीरीज का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये टाइप्स 3-4 टाइप्स, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उससे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं बैंक एग्जाम्स में, IBPS PU में। तो ये कह लें कि फॉर्मूलाज के हिसाब से ना चलें, थोड़ा सा दिमाग यूज करें। जैसे ये देखिए लॉजिक ही चल रहा है यहां पे, पैटर्न इन द ऑल्टरनेट नंबर, पैटर्न इन द डिफरेंसेस, कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंसेस है या ऑल्टरनेट नंबर में जो डिफरेंसेस है, या आप कह लीजिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, दो चीजें हैं, या तो आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वाला पंगा होगा या डिफरेंसेस होंगे। आपने जब क्वेश्चन को देखना है इसी नजर से देखना है, अगर तो डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं नंबर, पहले नंबर और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में, आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अगर आपको सीधा सीधा थोड़ा सा ये नंबर याद है तो आप नंबर देखते ही बता देंगे कि यार ये तकरीबन मेरा स्क्वायर एंड क्यूब वाला सीरीज चल रहा है। अगर डिफरेंस बहुत कम सा चल रहा है, या पहला नंबर और तीसरा नंबर फिर पांचवा नंबर इसमें एक सिमिलैरिटी बन रही है, वो नंबर थोड़े पास पास हैं, तो उस हिसाब से सीरीज का हम लॉजिक लगाएंगे। तो पैटर्न इन द एडजेसेंट नंबर्स, व्हेन एडजेसेंट नंबर इन द सीरीज चेंज ऑन अ लॉजिकल पैटर्न, फॉर एग्जांपल 2, 4, 12, 40, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे 2, 4, 12, 48, इसको भी एक बार ध्यान से देखिए। द फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको कर दिया जी 2 से मल्टीप्लाई, अगले को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, फिर अगले को कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, इसको अगले वाले को क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर 3 से, फिर 4 से, अगला ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई अप्लाइड होगा वो होगा 5 से। ये चीज बड़ी ध्यान देने वाली है, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है। Using two or more basic arithmetic functions, अभी जो हमने पिछले जितने भी करे हैं राइट, ये जो हम करते आ रहे हैं, अगर इसमें कह लीजिए 5, 45, 405 था, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं इसमें
9 से मल्टीप्लाई करके 1 से प्लस कर दूं, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें 2 प्लस कर दूं, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 प्लस कर दूं। तो नॉर्मली पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सिंपल नहीं आते, ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए बताया है मैंने, ये जो 6 तरह की बेसिक है, लेकिन लॉजिक 2 तरह की है, एक तो डिफरेंस वाला, एक स्क्वायर क्यूब वाला, तो इनका मिक्सचर भी आ सकता है, स्क्वायर भी है और साथ में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस स्क्वायर क्यूब हो सकता है, या वैसे डिफरेंसेस में पैटर्न हो सकता है, या कह लीजिए भी ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ ऐसा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो इसको आप मिक्स्ड सीरीज कह लें या कुछ भी कह लें, मिक्स्ड ही कह सकते हैं क्योंकि पेपर में यही आती है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन ये वाले तो नहीं आते। आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, ये क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से, 5, 25, 7 ये आपको ढूंढना है, 9 और 19। कोशिश कीजिए वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये देखिए ये वाले जो नंबर्स हैं इन, ये बहुत पास पास से हैं, ध्यान से देखिए ये नंबर बहुत पास है, तो क्या मुझे इनमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? 5, 7 और 9 सीधा सीधा क्या पैटर्न है इनमें कि 5 और 7 में 2 प्लस हो रहा है, ये देखिए 5 और 7 में जी 2 प्लस हो गया, 7 और 9 में फिर से 2 प्लस हो गया, और यहां पे कोई पैटर्न बन सकता है? वैसे पैटर्न यहां पे थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन 25 है और 19 है, यहां पे माइनस ही होगा राइट, अगर सिंपल यहां पे अगर प्लस हो रहा है, तो अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन देखूं तो 6 का डिफरेंस है यहां पे, अगर 3 का डिफरेंस इस पे होगा तो लगभग बन जाएगा 25 माइनस अगर मैं करूं 3 तो यहां पे 22 बनेगा, और इसमें से फिर मैं माइनस कर दूं 3 तो 19 बन जाएगा, तो 22 मेरा यहां पे आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था लेकिन मैंने पिछले पेपर्स में से ये क्वेश्चन उठाया है, ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कई बार, तो इसको ध्यान से देखें, ये मैंने प्रीवियस पेपर्स में से उठाया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, मतलब जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हंसी आएगी कि यार ये ऐसे कैसे सॉल्व हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन कैसे डाल सकते हैं, ये तो सर ने कराया ही नहीं, ये किसी बुक में नहीं है, बेसिक्स में नहीं है, लेकिन लॉजिक है सिंपल, इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। पिछले पेपर से मैंने उठाया है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, पिछले पेपर से मैंने उठाया था, 100, 50, 52, 26, 28 कोशिश करें इसको। तो अगर आपकी कोशिश खत्म हो गई हो तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, यहां पे इसको देखिए, ये सबसे पहले 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 50 आता है, तो सीधा सीधा इसका हाफ है, 52 का हाफ 26 है, 28 का हाफ 14, और 14 इसका आंसर है। मुझे पता है आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि सर ये क्या हो गया, पहले के 2 नंबर का एक लॉजिक आपने पैटर्न ढूंढा, फिर अगले 2 का, फिर लास्ट के 2 का, ऐसे कैसे? बट पैटर्न तो है, पहले और दूसरे नंबर का बस हाफ हो रहा है, ये सिंपल, ये पेपर में आया था 2013 में आया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी देखिए 2, 10, 30, 60 अभी इसको ध्यान से देखिए एक बार, इसका ये पेपर में अगर हम जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे पता चले कि कौन सी सीरीज है, ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इसका डिफरेंस देखें, मुझे ये देखने पे ही लग रहा है कि यार ये स्क्वायर एंड क्यूब वाला कोई पंगा है यहां पे, ये कोई सिंपल डिफरेंसेस वाला मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए 2 है फिर 10 है फिर 30 है फिर 68 है, अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 के क्यूब्स देखूं, 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि कम से कम 10 तक तो क्यूब याद कर लो यार, इतना तो मिनिमम करना चाहिए ना, इससे कम क्या, 1 का क्यूब 1 ही बनता है, 2 का क्यूब जो है 8 बनता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिंदी जरूर अच्छी हो गई है, अभी पहले अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। तो 2, 10, 30, 68, 1 का क्यूब 1 है,
अभी ये नंबरों को इसको इसके साथ थोड़ा कंपेयर करके देखें, क्या आपको क्या अलग क्या लग रहा है। ये एक है और दो है, एक नंबर अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये दो बन जाएगा, 8 में अगर दो ऐड करेंगे ये तो 10 बनेगा, 27 में अगर 3 ऐड करेंगे तो ये 30 बनेगा, 64 में 4 ऐड करेंगे तो ये 68 बनेगा, 125 में 5 ऐड करेंगे, ये आप गलती से ही कर लोगे, हाँ यार ये तो आसानी से हो गया, तो 130 बन गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, 130 बन गया, 130 एंड ये आपका आंसर है। यहां पे बस ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है आपको, पहली चीज ये, अगर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पहले एक बार ध्यान से अपने क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि यार डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं या स्क्वायर्स और क्यूब्स के आसपास अगर आपको लग रहे हैं, तो सिंपली आप क्या कीजिए कि स्क्वायर एंड क्यूब की सीरीज बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहला ऐसे एक नंबर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, ऐसा कुछ है, अगर ए एंड सी ये सब नंबर हैं, ये ऐसे कुछ दिए हुए हैं 6, 8, 10, ये नंबर पास पास हैं और ये नंबर थोड़े से दूर हैं, तो कोशिश करें ए सी और ई में पैटर्न ढूंढने की, जो नंबर थोड़े पास हैं, राइट। ये भी हो सकता है कि प्लस माइनस वाला सीन हो रहा हो, प्लस माइनस फिर माइनस, ऐसे भी हो सकता है, तो लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए, 1-1.5 मिनट लगाएंगे, आराम से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 25, 34, 30, 39, 35, अभी जो मैंने पिछली आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने बताया, ये सिमिलर वे में चल रहा है। अभी इसको ध्यान से देखिए, इस पे क्या हुआ है, ये ऑल्टरनेट से सीरीज है। यहां पे पहले देखिए इस पे क्या हुआ, इस पे 9 हो गया ऐड, फिर 4 माइनस, फिर 9 ऐड, फिर 4 माइनस, फिर ऑब्वियसली 9 ऐड होगा ना, ध्यान से देखिए 25 में 9 ऐड कर दिया गया है, फिर 4 माइनस है, फिर 9 ऐड किया, फिर 4 माइनस है, फिर 9 ऐड करेंगे, 35 + 9 44 मेरा आंसर आ जाएगा। देख मतलब जब आप पहली बार से देखते हैं ना तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर में भी यही होता है, पहली बार आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि आप 100, 150, 200 क्वेश्चन सॉल्व करें नंबर सीरीज के, ताकि आपको पता चले कि यार एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, आई मीन ये लॉजिक ढूंढने की आपको आदत पड़ जाएगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपका ये हो जाता है तो 5 मार्क आपके पेपर में बिल्कुल हाथ में है आपके, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5-7 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं चलिए हो गया ये तो बहुत आसान है, बट नहीं, आप जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, 100, 150 क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज के प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लॉजिक ढूंढने की आपको आदत पड़ेगी। मैंने 100 क्वेश्चन जो फुली सॉल्व मैंने करे हैं इन्हीं मेथड से, उसका मैंने एक PDF बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे डाउनलोड कर लें पहले। अभी इसको ध्यान से देखें, 11, 26, अभी 11 है, 26, फिर एक नंबर है, फिर 86। अभी ध्यान से देखें, पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर सीरीज देख के मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या चल के आ रहा है, कुछ स्क्वायर प्राइम नंबर मेरे समझ में नहीं आया, मैं क्या करूंगा, डिफरेंस ढूंढ लूंगा, दूसरे नंबर का और पहले नंबर का, ठीक है 5, फिर तीसरे का और दूसरे का 10, यहां का कुछ आइडिया नहीं, यार यहां कुछ आइडिया नहीं, अब इसमें क्या आइडिया लग रहा है, 5 है और 10 है और ये भी 86 है, कुछ दिमाग चलाइए, क्या क्या दिमाग में क्या आ रहा है, पहले नंबर जो डिफरेंसेस है 5, 10 और एंड में भी दोबारा 86 ही आ रहा है, यहां पे भी कोई 20 या 40 नंबर कुछ ऐसे बीच में होगा, तो अब लगाइए एस्टिमेट लगाइए क्या होगा, 11 + 5 करके बन गया जी 16, फिर 16 में 10 ऐड किए फिर बन गया 26, फिर 26 में कुछ ऐड करेंगे और कुछ नंबर बनेगा और फिर कुछ ऐड करेंगे तो 86 बनेगा। अब ध्यान से देखिए, 5 है फिर 10 है फिर 20 हो सकता है, ये जो डिफरेंस है इनमें एक पैटर्न है, 5, 10, 20, 40, ये अभी इसका पैटर्न देखिए, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 5, 10, 20, 40, इसका पैटर्न देखिए,
दो दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस दैट्स इट। पेपर से क्वेश्चन उठाया मैंने 20, 40, 46, भी 46 यहाँ पे आ गया तो अपना सीधा सॉल्व हो रहा है। 5 है, 10 है, 20 है, 40 है। पैटर्न को समझिए, कोशिश कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंस ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। ये क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 198, 194, 185, 16। अभी इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, आपके दिमाग में आएगा। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंस ढूंढिए। इस क्वेश्चन को देख के जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि यार ना तो ये स्क्वायर वाली सीरीज है ना ये प्राइम वाली सीरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बहुत दूर जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा यार, सीधा सीधा इसका डिफरेंस फाइंड कर लूंगा। 4 है और 9 है, और इसका और इसका डिफरेंस कितना बनेगा, आई थिंक बनेगा 79। 16 है, इट्स लाइक यस 16 है। अभी ध्यान से देखिए, अभी चीजें बिल्कुल आसान हो गई हैं, अभी आपको भी समझ आ गया है कि जी 2 का स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और अगला ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर होगा। अगर अगला मैंने निकाला है 169 में से, मैं 25 को माइनस कर दूंगा तो मेरा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। एक चीज अब ध्यान से देखिए कि पेन का इस्तेमाल कितना कम हो रहा है। अगर पेन का इस्तेमाल कम हो रहा है तो टाइम कम कंज्यूम होगा और पेपर में आप 30-40 सेकंड में ये क्वेश्चन निपटा देंगे। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं पेपर में तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होंगे, एक क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये मैंने पेपर से ही उठाए हुए हैं, ये मैं कहीं से बाहर से किसी घटिया सी बुक से उठा के नहीं लाया हूं, किसी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से उठा के नहीं लाया हूं, ये पेपर के क्वेश्चन है जो आप ही लोग मुझे सेंड करते हैं और मैं उन्हें देखता हूं और फिर उसकी वीडियो बनाता हूं। अभी इसको ध्यान से देखिए, 126, 64, 34, 20, 14, इसको ध्यान से देखिए, एक बार कोशिश कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए इसको। अभी एक चीज जो मुझे ये देख के लग रही है कि ये देखिए 126, 64, 34, 20, 14, इसमें डिफरेंसेस थोड़े ज्यादा बड़े हैं, राइट? कोई स्क्वायर क्यूब वाला सीन भी यहां पे नहीं दिख रहा है। यहां पे एक चीज जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं ये क्वेश्चन देखता हूं, यार ये 126 का नियर अबाउट 60s की लाइन में हाफ बनता है, 60s का हाफ 30 की लाइन में बनता है, इसका हाफ थोड़ा 17-18 होता है, तो ये हाफ के तकरीबन यार पास पास है। तो मैं पहले क्या करूंगा यार, 126 का मैं हाफ करूंगा तो मेरा 63, मैं 64 से कितना दूर हूं, सिर्फ एक नंबर, चलो ऐड कर दो। अगला 64, इसका भी हाफ करूंगा, कितना बन गया 32, अभी मैं कितना दूर हूं, 2 नंबर। अभी अगला है 34 को हाफ से डिवाइड करूंगा और मुझे पहुंचना है 20 तक, 17 बन गया 3, अभी मेरा पैटर्न बन गया। और मुझे अगर ये 3 नंबर भी दिए होते तो भी मैं बड़ी आसानी से कर लेता, और मैं कितनी दूर हूं, 4। अगर मेरे पास और नंबर ना भी होते तो भी मैं बड़ी आसानी से इसको कर लेता, तो मेरा आंसर यहां पे 12 आएगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। तो अगली वीडियो में मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, कि थोड़े अच्छे लेवल के, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। वैसे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हाई लेवल के हैं, मैंने आपको आसान तरीके से करवाए हैं, लेकिन अगर आपको ये, आप ये पहली बार देखते तो शायद आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते, भाई ये क्या हो गया। नंबर सीरीज में आपको लॉजिक ढूंढना आना चाहिए, थोड़ा एक दिमाग यूज कीजिए, जैसे एस्टिमेशन की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, सिमिलर टाइप की टेक्निक है ये। आपको जैसे कैसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सी सीरीज कौन सी है, आपको जैसे एग्जांपल से पता चल गया, आपने पहले नंबर सीरीज को देखना है एक बार, जैसे ये वाली सीरीज थी, ये तकरीबन हाफ 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 हो रहा है, हर अगला नंबर तकरीबन तकरीबन हाफ है, तो एडजस्ट करो उसे, 1 से ऐड कर दो, 2 से 3 से माइनस कर दो, ये कर लो। ये वाली जो सीरीज, इसको ध्यान से देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हाफ नहीं है, कुछ क्यूब नहीं है, तो डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करते ही आपको क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। इसमें दोबारा से देखो, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जहां भी कुछ समझ ना आए तो डिफरेंस फाइंड करो, इसमें भी डिफरेंस था, और यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी अगर कुछ नहीं समझ में, अगर ज्यादातर क्वेश्चन 80% ऑफ द क्वेश्चन आपका डिफरेंस फाइंड करके हो जाएगा, 80% ऑफ द क्वेश्चन,
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सीधा डिफरेंस, अगर डिफरेंस नहीं हो रहा है या तो वो लास्ट वाला जो फंडा था सीधा डिवाइड वाला था, हाफ वाला सीन हो जाता है, या स्क्वायर और क्यूब वाला होगा, मैक्सिमम प्राइम वाला। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं डिफरेंस वाले, भी भाई दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस करो, फिर तीसरे में से दूसरा माइनस करो, और फिर वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 6 सीरीज बताई थी वैसा कुछ पैटर्न निकल के आता है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पहचानने की कोशिश कीजिए सीरीज को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंस फाइंड कीजिए, अगर कुछ आइडिया लग रहा है स्क्वायर क्यूब का तो स्क्वायर क्यूब देखिए, डिविजन है हाफ से, दो से मल्टीप्लाइड है, तो कोशिश कीजिए लॉजिक समझने की। मैंने तकरीबन 98 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ है जिसमें मैंने एग्जैक्टली पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसका नीचे नंबर डाल दीजिए, 98 क्वेश्चंस है उसका नीचे नंबर डाल दीजिए कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे ये वाला समझ नहीं आया, और उसमें से मैं कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन कम से कम या 15 या 20 क्वेश्चंस का अगला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। 98 में से मुझे पता है 10-15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने जीके डाइजेस्ट हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, जीके डाइजेस्ट, तो सबसे पहले करें, क्योंकि जब मेंस की बारी आती है तो आप में से बहुत सारे लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होते, बैंकिंग नहीं पढ़ी होती, कंप्यूटर कुछ भी नहीं पढ़ा होता, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं होती। ये छोटी छोटी चीजें जो दिन में 5-10 मिनट देखिए, अगर आप इसको तैयारी कर सकते हैं तो प्लीज अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीके डाइजेस्ट ऐप में हम रेगुलरली स्टडी मटेरियल डालते हैं इन सेक्शंस के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है नॉर्मली। एंड आईबीपीएस पीओ का मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, आईबीपीएस पीओ मेगा प्रेप कोर्स है, इसको जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें एनरोल करें, प्रॉपर कोर्स है ये। एंड इस पे हमने डेली क्विजेस डालते हैं, स्टडी मटेरियल है, रेगुलर जैसे वीडियोस हम डाल रहे हैं और सारी बहुत अच्छी वीडियोस हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग, कंप्यूटर, बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस इस कोर्स में अवेलेबल हैं। इस कोर्स को आप एक बार जरूर एनरोल करें। क्विजेस के साथ आपको रेगुलर मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है और भी हम ऐड करने वाले हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होंगे। एंड जाने से पहले आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं raman@ अभी तक जो मेरे रेगुलर रीडर्स व्यूअर्स हैं उनको तो मेरी ईमेल आईडी याद हो गई होगी, raman@bankexamstoday.com। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कोर्स के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0161-460-8671, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इस कोर्स की जो है आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। गुड बाय।